राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 192वीं जयंती आज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांधी जी को किया याद। राजघाट पर श्रद्धांजलि देने पहुंचे कई दिग्गज नेता। आगरा में लोगों को कोरोना से मिली राहत। कोविड के एक्टिव केस हुए जीरो। जिलाधिकारी प्रभु एन सिंह ने दी जानकारी। आगरा में लगातार बढ़ रहा दबंगों का आतंक। आधा दर्जन दबंगों ने की दो लोगों की पिटाई। दबंगों की तलाश में जुटी पुलिस। आगरा में पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई। लूट करने से पहले लुटेरों को किया गिरफ्तार। लुटेरे मेडिकल कंपनी में लूट करने की बना रहे थे योजना। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया में। आपके साथ मैं हूं पारुल त्यागी। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 192वीं जयंती के अवसर पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें राजघाट जाकर श्रद्धांजलि दी। इससे पहले पीएम मोदी ने ट्वीट करके कहा था कि महात्मा गांधी का जीवन हर पीढ़ी को प्रेरित करेगा। पीएम मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी को भी उनकी जयंती पर नमन किया। पीएम मोदी ने कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को उनकी जन्म जयंती पर विनम्र श्रद्धांजलि। पूज्य बापू का जीवन और आदर्श देश की हर पीढ़ी को कर्तव्य पथ पर चलने के लिए प्रेरित करता रहे। इसके बाद पीएम मोदी राजघाट पहुंचे और एक अन्य ट्वीट में लाल बहादुर शास्त्री को नमन करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी को उनकी जयंती पर शत शत नमन। मूल्यों और सिद्धांतों पर आधारित उनका जीवन देशवासियों के लिए हमेशा प्रेरणा सूत्र बना रहेगा। वहीं गांधी जयंती पर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद समेत तमाम दिग्गज नेताओं ने गांधी जी को श्रद्धांजलि दी। ये चार तस्वीरें देख सकते हैं किस तरह से रामनाथ कोविंद भी वहां पर पहुंचे, नरेंद्र मोदी भी वहां पर पहुंचे, सोनिया गांधी भी और अरविंद केजरीवाल भी वहां पर श्रद्धांजलि देने के लिए बापू को पहुंचे हैं राजघाट पर। आगरा वासियों के लिए एक अच्छी खबर है। जहां एक तरफ देश कोरोना से परेशान है और जहां एक तरफ कोरोना के केस अभी कभी घट रहे हैं तो कभी बढ़ रहे हैं, वहीं आगरा में अब कोविड के एक्टिव केस जीरो हो चुके हैं। आपको बता दें कि मार्च 2020 में आगरा में कोविड का पहला केस आया था और आगरा में कोविड के एक्टिव केस के जीरो होने की जानकारी जिलाधिकारी प्रभु एन सिंह ने दी है। तो ऐसे में आगरा में अब आगरा के लोगों को ये बड़ी राहत मिली है क्योंकि पूरे आगरा में कोरोना का एक भी केस अब बिल्कुल भी नहीं है। जनपद वासियों को इसके लिए बहुत बहुत बधाई कि यह सबका सहयोग है, सबने अपना अपना काम किया, इसीलिए यह स्थिति आई है और हमें और सतर्क रहने की जरूरत है। जो लोग भी बाहर से आ रहे हैं उनके यहाँ कोई भी या जब बाहर जा रहे हैं जनपद के, तो सतर्कता रखें, मास्क लगाकर चलें, जो प्रोटोकॉल है उसको पालन करें। और आने वाले अभी चूँकि फेस्टिवल है, चैलेंजिंग रहेगा। जनपद की तरफ से हम लोग जितने भी हमारे रेलवे स्टेशन हैं, एयरपोर्ट है और जो बस स्टैंड है वहाँ पर विशेष निगरानी रखी जा रही है। वहाँ स्पेशल कैंप वहाँ हम लोगों ने लगा रखे हैं ताकि कुछ ऐसे ट्रेवलर्स जो बाहर से आते हैं उनको हम लोग पकड़ सकें। बट आप भी अपने यहाँ जो लोग भी बाहर से हैं उसको विशेष निगरानी रखें। और मार्च 2020 के बाद पहली बार एक है जब कोविड केस जीरो है जनपद में, जनपद वासियों को बधाई देता हूँ। उत्तर प्रदेश में दबंगों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। ताजा मामला आगरा के थाना बासौनी क्षेत्र का है, जहां पर धर्मशाला की जमीन के कब्जे के विरोध को लेकर आधा दर्जन दबंगों ने दो लोगों के साथ लाठी डंडों से जमकर मारपीट की। गांव से निकलते ही पीड़ित पक्ष के बाइक सवार दोनों लोगों पर दबंग ने रास्ते में ही हमला बोल दिया। वहीं दबंगों की पिटाई से दोनों लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों व्यक्तियों को अस्पताल में भर्ती कराया और आरोपियों की तलाश में जुट गई है। तो आगरा का ये पूरा मामला है जहां पर लगातार दबंगों का आतंक देखने के लिए मिल रहा है। दबंगों ने बाइक सवार दो व्यक्तियों को घायल कर दिया, जिसके बाद मौके पर पुलिस को जब इस बात की जानकारी मिली तो मौके पर पुलिस पहुंची और घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया है। आगरा के सिकंदरा थाना क्षेत्र में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए लूट की घटना को अंजाम देने से पहले ही लुटेरों को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि लुटेरे एक मेडिकल कंपनी में लूट की योजना बना रहे थे, तभी पुलिस ने इंस्पेक्टर सिकंदरा कमलेश सिंह के नेतृत्व में छह लुटेरों को पकड़ लिया। वहीं पुलिस ने लुटेरों के पास से तीन बाइक, तीन मोबाइल, तमंचा और 7,430 की नकदी भी बरामद की है। वहीं पुलिस ने गिरफ्तार लुटेरों को जेल भेज दिया है। तो पुलिस के हाथ आगरा में बड़ी सफलता लगी
रही है, जहां पर लूट से पहले ही पुलिस ने लुटेरों को गिरफ्तार कर लिया और ऐसे में बड़ी कार्रवाई करते हुए सभी को जेल भेज दिया है। साथ ही उनसे लूटा हुआ पहले से मोबाइल, 3 बाइक और तमंचा 7,430 रुपये भी बरामद किए हैं। अमेठी को जिला बने लगभग 10 साल से ज्यादा का समय हो रहा है, लेकिन आज भी अमेठी के परिवहन विभाग में समस्याओं का अंबार लगा हुआ है। अमेठी बस डिपो में 42 बस वर्तमान समय में हैं, जिनका संचालन होता है, लेकिन शाम ढलते ही 6 बजे के बाद अमेठी से सुल्तानपुर या अन्य कहीं भी जाने के लिए बसें नहीं मिलती हैं, जिससे वहाँ पर यात्रियों को काफ़ी असुविधा का सामना करना पड़ता है। वहीं जब एआरएम ने बताया कि अमेठी बस डिपो में 42 बसें हैं जो दिल्ली, लखनऊ, सुल्तानपुर, प्रयागराज, बहराइच आदि के लिए जाती हैं और आखिरी बस सुल्तानपुर के लिए शाम 6:30 बजे रवाना होती है। यात्रियों की कमी की वजह से हम 6:30 बजे के बाद बसों का संचालन नहीं करते हैं। वहीं यात्रियों का कहना है कि सुल्तानपुर जाने के लिए शाम 6 बजे के बाद यहाँ पर कोई भी सुविधा नहीं मिलती। वहीं ड्राइवर कंडक्टर से बात की गई तो उन्होंने बताया कि बसों में यात्री ना होने की वजह से ज़्यादातर बसें खाली ही जाती हैं। अमेठी डिपो में इस समय कुल 42 बसें हैं और 42 बसें अपने मार्ग पर संचालित हो रही हैं। किन किन मार्गों पर बसों की व्यवस्था है? हमारे यहाँ अमेठी से लखनऊ, कानपुर, दिल्ली, प्रयागराज, बनारस, अयोध्या, बहराइच, इन सारे मार्गों पर बसों का संचालन। पुराना जनपद सुल्तानपुर था, लेकिन सुल्तानपुर के लिए शाम 6 बजे के बाद कोई बसें नहीं है, ऐसा कहना है। हाँ, अमेठी में जो है जिला तो है, लेकिन यात्रियों की संख्या उतनी नहीं रहती है। शाम को हमारी अंतिम बस 6:30 बजे है अमेठी से सुल्तानपुर के लिए, लेकिन उसमें भी पूरे यात्री नहीं मिल पाते हैं, तो अक्सर गाड़ियों को यात्रियों के इंतज़ार में 6:30 के बजाय 6:45 तक 7 तक हम लोग भेजते हैं, जिससे कि कुछ यात्री हो जाएं। इस समय पितृपक्ष चल रहा है, इस वजह से सवारियां कम निकल रही हैं। तो क्या ऐसे पहले भी जाती हैं? ऐसे पहले नहीं जाती थी, सवारियां निकलती हैं, कम निकलती हैं। तो जो मानक रहता है कि इतना हमको पूरा करना है, कैसे पूरा होता है? मेहनत किया जाता है, आगे पूरा होता है, अगर नहीं पूरा तो पूरा होता है। अंतिम बसें यहाँ से सुल्तानपुर जाते हैं, कब जाती हैं? 6:30 आती है, बसें भी जाती है। उसके बाद के लिए कोई बस नहीं है। ये लखनऊ जा रहे हैं। ये बस देख रहे हैं कि खाली है, ज़्यादातर खाली ही जाती है, क्या कारण है? सवारियाँ कम निकल रही है। कम निकलने से खाली है। क्या डेली ऐसे ही रहता है? कभी काल मिल जाते हैं, कभी काल कम रहते हैं। तो ऐसे में जो मानक है वो कैसे पूरा होता है? प्रयास किया जाता है और आगे रूप ये बताइए कहाँ जा रहे हैं भैया? हम सुल्तानपुर के जा रहे हैं। लास्ट बस यहाँ से कब जाती है सुल्तानपुर? 6:30 बजे। उसके बाद बसें नहीं है क्या? कोई नहीं है। तो कैसे जाया जाता है? इंतजार किया जाता है, जाती नहीं है कोई, फिर सुबह ही जाते हैं। बस्ती में बीसी समूह सखियों ने चाइना निर्मित माइक्रो एटीएम डिवाइस को लेने के से इनकार कर दिया है। इसके विरोध में जिलाधिकारी और मुख्य विकास अधिकारी को शिकायती पत्र सौंपकर जांच करने की मांग भी की गई है। वहीं बीसी सखियों ने आरोप लगाया है कि माइक्रो एटीएम डिवाइस महंगे दामों में खरीदने का प्राइवेट कंपनियों के एजेंट दबाव बना रहे हैं। चाइना निर्मित कई डिवाइस खाता संचालक के पहले ही खराब हो चुकी है और यही डिवाइस मार्केट में कम रेट में 12,000 से 13,000 रुपये में मिल रहा है। वहीं एयरटेल कंपनी की तरफ से हमें 31,000 रुपये दिए जा रहे हैं, जबकि प्राइवेट एयरटेल कंपनी चाइना माल सप्लाई कर रही है, तो विदेशी बनाम स्वदेशी अभियान कितना सफल होगा? देखिए, ये शासन के आदेश के क्रम में हमारी जितनी भी बैंक सखी हैं, इनकी ट्रेनिंग भी कराई गई थी। लगभग इनको 75,000 धनराशि जो है इनको खाते में दिए जाने का प्रोविजन भी, प्रावधान भी है, और शासन स्तर पर भी एक एजेंसी को नामित किया गया है जो कि इनको इक्विपमेंट और ट्रेनिंग आदि सब कार्रवाई करेगी। इनकी इन्होंने कुछ शिकायतें उस इक्विपमेंट को लेकर किया है और माननीय जिलाधिकारी महोदया को भी इन्होंने ज्ञापन दिया था
और उसी ज्ञापन के क्रम में माननीय जिलाधिकारी महोदया के स्तर से भी शासन को पत्र जा रहा है इनकी समस्याओं को दृष्टिगत रखते हुए, ताकि अगर वो जो समस्या उसका समाधान उच्च स्तर से हो सके। सर डिवाइस चलने पहले ही कहना बोल रहा कि ऐसी शिकायतें आई हैं, इसी संबंध में इनके एजेंसी के कुछ लोग आए थे, मैंने वार्ता किया है और इनके जो एजेंसी प्रदाता है उनको भी हम लोग उसको सूचित कर रहे हैं, उनको भी बुलाकर वार्ता की जाएगी कि जो समस्या उसका समाधान कराएँ। एक तरीके से देश विरोधी? नहीं नहीं, ये विषय अलग है, और अगर इस तरह कोई चीज़ें हैं हमें ये देखना है कि जो इन्होंने अपना टेंडर डाला था जो एजेंसी ने, वो किस कंपनी का हमें इक्विपमेंट देना है वो अभी क्लियर नहीं हो पा रहा, उसमें जैसा होगा और जो एजेंसी का उसमें टेंडर में स्पेसिफिक मेंशन होगा उसी पर कार्रवाई की जाएगी। मेरा मामला ये था सर कि हम लोगों को मतलब इसी सखी में चयनित किया गया है, ठीक है, सरकार द्वारा, लेकिन हम लोगों को जो एयरटेल बैंक का वो डिवाइस दिया जा रहा है जो एकदम मेड इन चाइना है, उससे हम लोग काम नहीं कर पाएंगे, उससे खाली हम लोग निकासी कर सकते हैं और कोई काम भी नहीं कर सकते हैं, और उसमें नेटवर्क भी नहीं पकड़ता है। कितने लोग डिवाइस लाए हैं जो वापस करने के लिए परेशान हैं, अभी काम भी नहीं किए, खराब हो गया। कितना पैसा उसका लगता है? उसका 31,000 रुपया ले रहे हैं, 30,916 रुपया ले रहे हैं। इतना महंगा डिवाइस हम लोग लेकर के करेंगे क्या, जब उससे हम लोग काम नहीं कर पाएंगे? और मार्केट रेट के हिसाब से वो 13,000 रुपए में है। अच्छा, तो हम उसको 31,000 में क्यों लेने जाएं? ये समूह से पैसा जाएगा कि व्यक्तिगत? नहीं, ये सरकार के माध्यम से, सरकार ने हम लोगों को 75,000 रुपया दिया है, वो समूह के खाते में आया है, समूह के खाते से हम लोगों को अपने पर्सनल खाते में ट्रांसफर करवाना है। उसमें 4% सुनाई दे रहा है कि 4% ब्याज लग रहा है, तो 4% ब्याज बताइए, एयरटेल बैंक हमको आईडी दी जा रही है उसमें 1% ब्याज है, जैसे हम लोग 1 रुपये का ट्रांजेक्शन करते हैं तो हमको 1 रुपये मिलेगा। समस्या क्या आ रही है? समस्या यही आ रही है कि ये डिवाइस जो दे रहे हैं वो सरकार की तरफ से कहते हैं ये, लेकिन ये एयरटेल वाला इसका कोई चाइना कंपनी है सर, नहीं लेना चाहते हमको लैपटॉप है, जैसे और कोई काम कर सके, इसे ऑनलाइन कर दे और कुछ कर दे, 4 पैसा और आ जाएगा हमारे पास। उसको काम नहीं सही कर रहा है क्या? नहीं चल रहा, जो लिए हैं उसको भी वापस करना चाहते हैं सर। हल्द्वानी के भीमताल विधानसभा की खस्ताहाल सड़कों को लेकर पूर्व विधायक दान सिंह भंडारी ने स्थानीय विधायक, सरकार और अधिकारियों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। स्थानीय ग्रामीणों के साथ पूर्व विधायक ने पीडब्ल्यूडी मुख्य अभियंता के कार्यालय का घेराव किया और ढोल बजाकर सरकार और अधिकारियों को नींद से जगाने की कोशिश की। पूर्व विधायक दान सिंह भंडारी ने 2 टूक शब्दों में चेतावनी दी है कि अगर अगले 15 दिन के अंदर सड़कों की हालत नहीं सुधरी तो आमरण अनशन शुरू किया जाएगा। उन्होंने आरोप लगाया कि भीमताल विधानसभा में सड़कों की हालत इतनी बुरी हो चुकी है कि आए दिन लगातार घटनाएं हो रही हैं, सड़कें गड्ढों में तब्दील हो चुकी हैं और पिछले 5 सालों में स्थानीय विधायक राम सिंह केड़ा ने सड़कों के लिहाज से क्षेत्र में कोई काम नहीं किया, इसीलिए स्थानीय लोगों के पास आंदोलन करने के अलावा कोई और दूसरा रास्ता नहीं है। ये लोग जो मिले हैं इनकी मेनली 4 तरह की समस्याएं हैं, है ना। एक तो वो सड़कें हैं जो विभाग की सड़कें हैं, बनी हुई हैं और उसमें गड्ढे हो गए हैं, तो उसके लिए हमारी विभाग की कार्य योजना PMC से स्वीकृत हो गई है। ज़्यादातर चीज़ें हमने कॉन्ट्रैक्टर्स भी अरेंज कर दिए, मशीनरी भी मूव कर दी, कई सड़कों पर हम मशीनरी भी मूव कर चुके थे, तो बारिश का स्पेल जो 15 सितंबर को ख़त्म हो जाता था वो बढ़ गया, कई कई जगह बारिश की वजह से कॉन्ट्रैक्टर्स को रुकना पड़ा। ये जैसे ही बारिश ख़त्म हो जाती है तो आप ये समझिए कि 30 अक्टूबर तक हमारी कार्य योजना है कि इन सड़कों को हम गड्ढा मुक्त कर देंगे। वन विभाग की भी कुछ दिक्कतें सामने आ रही हैं, मैं बता रहा हूँ। दूसरी किस्म की सड़क, जो दूसरी समस्या इनकी है, इन्हीं सड़कों पर जो झाड़ियाँ उग गई हैं, तो जो झाड़ियाँ उग गई हैं वर्षा ऋतु में, तो झाड़ी काटने से कोई लाभ नहीं होता है, पुनः उगाती हैं, वर्षा ऋतु समाप्ति होने के बाद विभाग इन पर प्रायोरिटी क्रम में जो है कार्रवाई करता है और मुख्य सड़कें जो वो हैं वो भी हम इधर 15 अक्टूबर 20 अक्टूबर तक झाड़ी कटान का भी काम ठेकअप कर लेंगे। तीसरी सड़कें हैं इनकी इस तरह की जो कि प्रथम चरण, विभाग में 2 तरह की स्वीकृतियां होती हैं, प्रथम चरण की और द्वितीय चरण की। प्रथम चरण की जो स्वीकृतियाँ होती हैं उसमें विभाग को सर्वे, उसका अलाइनमेंट, उसका जियोलॉजिस्ट इंस्पेक्शन, उसमें जो नाप भूमि या वन भूमि पड़ रही है उसको ट्रांसफ़र कराने का कार्य करना होता है। तो ये एक चूँकि इंटर डिपार्टमेंटल एक्टिविटी है, इसमें वन विभाग की जो सड़कें जिनमें पड़ जाता है उनमें थोड़ा समय लगता है। बताना चाहूँगा कि हमारे भीमताल विधानसभा में 5 साल हो गए हैं, एक भी रोडें जो हैं सुधारीकरण नहीं हुआ, एक भी रोडों में डामर नहीं हुआ। तो आज हमारी इतनी महत्वपूर्ण जो रोड हैं जिसमें भीमताल से लेकर सर फाटक तक
अब हमारा हेड़ा खान से लेके पदमपुर मिडार तक ये रोडें हमारी कई रोडें ऐसे हैं, भिड़ा पानी से लेके खुजेटी तक, मोना लेसाल से लेके काला पाताल तक कई रोडें ऐसे हैं कि इसमें इतने भयंकर भयंकर गड्ढे पड़ गए हैं तो लोग पैदल पैदल चलना भी मुश्किल हो गया है। मैं बताना चाहूँगा कि इस बीच में कई जगह तो ऐसा हुआ कि गाड़ी एक्सीडेंट हो गए, कई लोगों की जान लेवा बन गई है सड़कें, तो इसके लिए हमने कई बार जो है मुख्यमंत्री तक और डीएम साहब तक कई बार अपनी रोडों के लिए धरना प्रदर्शन कर चुके हैं, लेकिन 5 साल होने के जा रहे हैं, न हमारी बातें हमारी सड़कों के लिए न विधायक सोच रहे हैं, न सांसद सोच रहे हैं, न सरकार सोच रही है। आज इसी को लेकर के हमने जो है सरकार तक ये आवाज़ जाए और अधिकारियों तक ये आवाज़ जाए, हमने जो है इनके कान खोलने के लिए ढोल नगारों से इनको जगाया है। विधायक तो कह रहे हैं सड़कों का जाल बिछा दिया भीमताल विधानसभा में। विधायक जी ने कौन सी सड़कों का जाल बताया ये तो जनता बताएगी, लेकिन उन्होंने जो भी सड़कें बनाई वो कहते हैं मैंने 120 सड़कें बनाई, अगर एक भी सड़क में अगर उनकी गाड़ी जा रही हो या हमको बता दें हम उन सड़कों का उनका स्वागत करेंगे, अगर एक सड़क में भी अगर उनकी गाड़ियां जा रही हों तो। लक्सम में केवेंडिस टायर कंपनी के कर्मचारी और केवेंडिस टायर कंपनी प्रशासन के बीच 3 साल के एग्रीमेंट को लेकर मामला गहराता जा रहा है। कंपनी प्रशासन से नाराज कर्मचारियों ने भूख हड़ताल शुरू कर दी है और ऐसे में कर्मचारियों ने बताया है कि 3 साल के एग्रीमेंट में 11,000 रुपये की बढ़ोतरी पर होनी चाहिए थी, जबकि कंपनी ने कुछ अन्य कर्मचारी यूनियन को अपने पक्ष में लेकर 3 साल एग्रीमेंट को 5,700 रुपये की बढ़ोतरी में लागू किया है, जो हम कर्मचारियों को मंजूर नहीं है। उन्होंने बताया कि जिसे लेकर पहले तो कंपनी प्रशासन से बात की गई, लेकिन जब कोई हल नहीं निकला तो मजबूर होकर कर्मचारियों को कंपनी के गेट पर धरना देना पड़ा और धरना देने के बाद भी कंपनी प्रशासन जब नहीं माना तो कर्मचारियों को भूख हड़ताल पर बैठना पड़ा। वहीं भूख हड़ताल पर बैठे कर्मचारियों का कहना है कि जब तक कंपनी प्रशासन अपनी हठधर्मिता छोड़कर 11,000 रुपये की बढ़ोतरी के साथ त्रिवर्षीय समझौता एग्रीमेंट नहीं करेगा तब तक भूख हड़ताल इसी तरह से जारी रहेगी। ये त्रिवर्षीय समझौते को लेकर मामला है, तो इसमें हमारी मांग थी कि इसे 1 जनवरी से लागू किया जाए, 2021 1 जनवरी से, और इन्होंने ये जून से लागू किया और 5,600 रुपये की बढ़ोतरी की है, जो किसी भी श्रमिक को मान्य नहीं है, और जो हमारी डिमांड है वो 11,000 की है, और तब जब तक ये हमारी डिमांड और मांगे पूरी नहीं करेगा तब तक हम भूख हड़ताल पर बैठे रहेंगे। ये हमारे यहाँ 3 वर्षीय समझौता होता है, ये तो मैं उन्होंने कुछ यूनियनों को अपने पक्ष में लेकर रात 2:30 बजे साइन करवाए, तो 5,600 रुपये उन्होंने साइन करवाए, जबकि सभी श्रमिकों की मांग 11,000 रुपये है, तो इसी वजह से हम सब धरने में बैठ गए और जी भूख हड़ताल भी कर रहे और इसके बाद हम आत्मदाह भी करेंगे। महराजगंज में भारत नेपाल की सोनोनी सीमा के पास पुलिस और एसएसबी की संयुक्त टीम ने 2 उज्बेकिस्तान महिलाओं को गिरफ्तार किया है। दोनों उज्बेकी महिलाएं अवैध तरीके से नेपाल से भारत में घुसने की कोशिश कर रही थीं और इन महिलाओं के साथ 2 भारतीय सहयोगी भी गिरफ्तार किए गए हैं। वहीं गिरफ्तार महिलाओं के पास से वीजा पासपोर्ट भी नहीं मिला, जिसके लेकर इन्हें 14 विदेशी अधिनियम के तहत गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया, जहाँ से इन्हें जेल भेज दिया गया है। नैनीताल में सरकार जनता की तरफ से फुटकुआ सौहार्द गार्डन में पहली बार काबीना मंत्री, शहरी विकास और नागरिक आपूर्ति मंत्री वंशिता भगत की तरफ से जनता दरबार लगाकर जन समस्याएं सुनी गई और उनका निस्तारण मौके पर ही किया गया। बता दें जनता दरबार में 92 समस्याओं पंजीकृत थी, जिसमें से 40 शिकायतों का मौके पर ही समाधान किया गया। जनता दरबार में स्वास्थ्य विभाग की तरफ से 88 लोगों को कोविड वैक्सीन लगाई गई। ऐसे में कार्यक्रम को संबोधित करते हुए भगत सिंह ने कहा कि क्षेत्र की सभी समस्याओं का प्राथमिकता से निस्तारण किया जाएगा और जो शासन स्तर की समस्याएं हैं उन्हें विभागीय अधिकारियों के जरिए शासन को भेजा जाएगा, जिनका नियमित रूप से निस्तारण भी कर दिया जाएगा। लोगों का ज़्यादातर रुझान जो है वो पानी और सड़क। अब चूँकि जनता दरबार लगा है, कौन छोड़ेगा इसका लाभ,
सभी लोग आ गए, सभी हमारी सड़क बना हमने कलेक्ट कर लिया है, जो संभव होगा इसमें करेंगे। नहीं तो फिर मार्च के बाद नई सरकार को जो भी इस समय बजट हो सकता है, क्योंकि अब लास्ट हो गया लगभग लगभग बजट की हमने सब तारीख जितना इस समय संभव होगा इस समय करेंगे। रुड़की के कोर कॉलेज पहुंचे पद्मश्री और पद्मभूषण सम्मानित और प्रसिद्ध पर्यावरणविद डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी का प्रबंधन ने फूल मालाओं से स्वागत किया। इस दौरान पर्यावरणविद अनिल जोशी ने छात्रों को पर्यावरण के संबंध में जानकारी देते हुए प्रकृति के बारे में विस्तार पूर्वक बताया और ऐसे में डॉक्टर अनिल जोशी ने कहा कि हिमालय क्षेत्रों में बांध बनाने के लिए नए सिरे से सरकार को सोचने की आवश्यकता है। बांध का निर्माण करना पर्यावरण और प्राकृतिक दृष्टिकोण से सही नहीं है। उन्होंने कहा कि बांध अब हमारे पक्ष में ज्यादा बेहतर हो ही नहीं सकते, खासतौर पर जब बाढ़ जैसी आपदाएं आ रही हो। उन्होंने प्रदेश के पर्यटन मंत्री को प्रकृति और पर्यटन पर एक राष्ट्रीय गोष्ठी करने की भी सलाह दी। उन्होंने कहा कि पर्यटन का सबसे बड़ा बोझ प्रकृति पर पड़ता रहा है, जिसे लेकर सरकार को गंभीरता से सोचने की जरूरत है। वो एक राष्ट्रीय गोष्ठी करें पर्यटन और प्रकृति पर, क्योंकि अगर पर्यटन का सबसे बड़ा बोझ पड़ रहा है तो प्रकृति पर पड़ रहा है, तो दोनों को कैसे लें। रही बात जो हमारे दूसरे मुद्दे हैं कि बांधों को लेकर, इसमें कोई भी दो राह नहीं है कि बांध अब हमारे पक्ष में ज़्यादा बेहतर हो नहीं सकते, और ख़ास तौर से तब जब इस तरह की बाढ़ आ रही हैं, अतिवृष्टि हो रही है, तो सरकारों को नई सिरे से सोचना होगा। ज़्यादा कष्ट अगर दुनिया में कभी किसी को होगा तो पहाड़ के ही लोगों को होगा, पहाड़ की परिस्थितियाँ क्योंकि बहुत वल्नरेबल होती हैं, संवेदनशील हैं, वहाँ पे हिमखंड हैं, नदियाँ पनपती हैं, जंगल होते हैं, तो सबसे जो प्रतिकूल असर पड़ता है इन पर पड़ता है। अब इसका किस तरह से समाधान हो, मुझे लगता है शिक्षा एक इसका बड़ा हिस्सा है, और आने वाली पीढ़ी को इस बात से परिचित कराना चाहिए कि 20 साल के बाद अगर हालात यही रहे तो हम कहाँ जाने वाले हैं, हम सब कुछ खोने वाले हैं। उद्यम सिंह नगर के सितारगंज में सीनियर सिटीजन वेलफेयर सोसाइटी के तत्वाधान में अंतर्राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक दिवस मनाया गया और नगर के एक निजी स्कूल में समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे नगर पालिका अध्यक्ष हरीश दुबे ने कहा कि भारतीय संस्कृति में वृद्धों की सेवा को अधिक महत्व दिया गया है। प्रत्येक व्यक्ति को अपने वृद्ध माता पिता के आदर पूर्वक भरण पोषण का दायित्व स्वीकार करना चाहिए, अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए और माता पिता की सेवा ही हमारा सबसे बड़ा धर्म है। हर व्यक्ति को वृद्धों का सम्मान करना चाहिए और अगर किसी भी वृद्ध व्यक्ति को कोई भी मदद की आवश्यकता हो तो सभी को उनकी मदद के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को हर क्षेत्र में वृद्धों को पहला स्थान देना चाहिए, यही हमारी संस्कृति है। सीनियर सिटीजन वेलफेयर सोसाइटी के संरक्षक भुवन भट्ट ने कहा कि हमें वरिष्ठ नागरिकों का सम्मान करना चाहिए, वरिष्ठ नागरिकों को उत्साहित करते हुए रहना चाहिए और अपने बच्चों को भी ऐसी ही शिक्षा दें जिससे वो वृद्ध लोगों का मान सम्मान कर सके। सारे विश्व में मनाया जा रहा है बुजुर्ग नागरिकों के उसमें, और हम भी आज यहाँ इसलिए सारे नागरिक एकत्रित हुए हैं कि हम इसी अवसर पर अपने बुजुर्गों को, जो हमसे भी सीनियर हैं, जो बुजुर्ग हैं, उन सबको यहाँ पर बुला करके उत्साहित कर रहे हैं, सम्मानित कर रहे हैं। आज देश में 34% लोग बुजुर्ग हैं हमारी आबादी के हिसाब से, इसके माना कि एक तिहाई संख्या हमारी बुजुर्गों की है, और उन्हीं के ही जो उन्होंने अब तक जीवन बिताया, आगे जो भविष्य उन्होंने बचाना है, सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम ये कह रहे हैं कि हमारे वरिष्ठ नागरिकों का अभिनंदन किया जाए, इनका सम्मान किया जाए। और सम्मान आज तक जहाँ तक इन्होंने अपने देश सेवा की है, कई हमारे बीच रिटायर्ड पर्सन हैं जो सेवा कर चुके हैं और आज सेवानिवृत्त हो चुके हैं, वह सब मिल करके एक संगठन ऐसा बनाना चाहते हैं जिसे समाज में सुधार ला सकें, पीढ़ियों के अंतर बीच जो अंतर आ रहा है उस अंतर को हम दूर कर सकें और बच्चों को इस नसीहत दे सकें कि बुजुर्गों का स्थान सर्वोपरि है, उनका सम्मान, उनको जो शिक्षा हम दें उस शिक्षा का आगे बढ़ाते रहें, बुजुर्गों का सम्मान करते रहें, उनकी देखभाल करते रहें, और ये कोशिश करते हैं कि हम जो हमारी पुरानी हिंदुस्तानी भारतीय परंपरा है, संस्कृति है, उसको जीवित रखें और बुजुर्गों का सम्मान दें। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।